Let's start. So today we have to do the elimination reactions. एलिमिनेशन का मतलब कल मैंने बताया भी था. एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ समथिंग, रिमूवल ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट? सो हाउ एलिमिनेशन एंड एडिशन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सिंगल बॉन्ड इट चेंजेस इनटू मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एलिमिनेशन में जाता है. एंड व्हाट अबाउट एडिशन? एडिशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस में चेंज होता है? सिंगल बॉन्ड में, ठीक है? तो यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हमें कौन से लेने पड़ेंगे? वी हैव टू कंसीडर द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है? अब आपके दिमाग में एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं अगर, ठीक है, जनरल कंसेप्ट है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स में आएंगी, तो जितने भी आप एल्डिहाइड्स, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करोगे उसमें ये सारी चीजें जो है वो आपकी यूज अप होंगे, ठीक है? अब एलिमिनेशन जो है वो दो तरह से होती है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन. टू टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस आर देयर, वन इज द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सो राइट डाउन फॉर द बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा? सपोज आई एम टेकिंग दिस स्पीशीज, क्या है ये? CH3CH2OH. दिस इज क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, ठीक है? अब इस केस में क्या होता है बीटा एलिमिनेशन में? जो लॉस है एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का, वो दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से होता है. व्हाट आई एम सेइंग, द लॉस ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज फ्रॉम द टू डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है? यहां से आपने OH ने रिमूव कर देना है, यहां से आपने H रिमूव कर देना है. ये H यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हाट यू विल गेट, क्या बनेगा? CH2 double bond plus H2O. कैसे बनता है? OH negative होता है, H positive होता है ना, तो मैंने भी तो ऐसे remove करवाया. मैंने OH को as negative remove करवाया है, H को as positive remove करवाया है, कि नहीं? ठीक है, is this clear? So this is a type of beta elimination reaction where the loss of atom or group of atom is from two different carbon atoms. दो अलग अलग carbon atom से loss हो रहा है. Next, write down. For the alpha elimination reaction. Next is alpha elimination reaction. अगर beta में दो different different से हो रहा है तो alpha में क्या होगा? Same carbon से होगा. अगर beta में दो different different carbon ले रहे हैं तो alpha में जो loss है atom का या group of atoms का, it will be from the same carbon atom. अब इसका case देखो. अब again मैंने यहाँ से एक H और यहाँ से एक H जो है वो remove करवाना. सपोज मैं ये वाला H जो है वो ऐसे रिमूव करवा देती हूँ, H2 रिमूव करवाना मैंने, दो हाइड्रोजन रिमूव करवाने. ये वाले जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है आप इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि एक H पॉजिटिव निकलेगा, एक H नेगेटिव निकलेगा, ऐसे जाएगा. एक H पॉजिटिव निकलेगा, एक H नेगेटिव निकलेगा ना, कि नहीं? पहले इधर देख लो. सेटल्ड? कॉपीज निकाल लो, बोर्ड की तरफ देख लो, बाकी भी अब इधर देख लो, ठीक है?
यहां से मैंने एच नेगेटिव रिमूव कर दिया है, एक मैंने एच पॉजिटिव भी रिमूव करना है, एच पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। नाउ व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री सी, ये वाला एच तो गया, ठीक है, ये वाला एच बचा है अभी, एंड वी आर लेफ्ट विद डबल बॉन्ड प्लस एच। So you can see whenever the elimination reactions they are going on, the single bonds they are converted into the multiple bonds. Okay? हाँ जी, जरूरी नहीं H2O निकलेगा यहाँ पर, H2O की possibility नहीं है, water की possibility नहीं बनेगी यहाँ पर remove होने की। हाँ जी, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन। अब आपने मुझे एक रिएक्शन करके बतानी है। Do the beta elimination and give me the answer. Do the beta elimination and give me the answer. यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन करो, यहाँ पर अल्फा एलिमिनेशन करो, और दोनों आंसर्स बताओ मुझे। डन, हाँ जी बेटा, डन हो गया पुत्र, आ जा बैठ, आ जा रहा, कोई बात नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख पुत्र, अंजलि, मंजोत, अंजलि, मंजोत, राघव, इश्नूर, जप्पन, मिताली, अर्शप्रीत। ये बॉन्ड क्यों लगाया हुआ, प्लस है ये, ठीक है, एच बी आर सेकेंड सेकेंड की है। हाँ जी ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यहां से बी आर नेगेटिव जाएगा और यहां से एच जो है वो एस पॉजिटिव बाहर निकलेगा। ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ पर ट्रांसफर करना है एंड यू विल बी गेटिंग सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, एल्कीन बन जाएगी प्लस एच बी आर, ठीक है। दिलजीत आ जा बाहर, सेकेंड रिएक्शन,
वेरी गुड, ठीक है बेटा, सेम रिएक्शन थी, यहां पर मैंने हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया था बस, राइट। द लास्ट रिएक्शन, इसके बाद आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जब हम एल्कीन्स, एल्काइन्स और एल्केन्स करेंगे हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको रीअरेंज करके लिख दूंगी बट वो कैसे आया है आपको अभी वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो है हम वो लास्ट में करेंगे, लास्ट में इन द सेंस कि जब हम एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हम वहां पर स्टडी करेंगे, बाकी तीन हमने अभी कर ली हुई है, एलिमिनेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सारी? ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू द एल्केन पार्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन पार्ट स्पेसिफिकली, जिसमें हम सारी एल्केन्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रेपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी उसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, चलो राइट डाउन एल्केन्स। सो फॉर द एल्केन पार्ट, एल्केन आप नॉमेनक्लेचर में पढ़ के आए हो सारा, आइसोमेरिज्म भी आप एल्केन्स में पढ़ के आए हो सारे, तो अगेन वो पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर लिया हुआ है। कॉन्फॉर्मेशंस हैं, कॉन्फॉर्मेशंस हम एल्केन्स की बाद में लास्ट में करेंगे, ठीक है। एल्केन स्टार्ट, इट स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर, एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम पूरा अच्छे से पढ़ के आए हैं जब हमने नॉमेनक्लेचर पार्ट किया है। उसके बाद आइसोमेरिजम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, वही सारे आइसोमेरिजम्स हैं जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। देन स्टार्ट विद द प्रेपरेशन, राइट डाउन द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन प्रिपेयर कैसे करने हैं अब हमने? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? 10th में पढ़ के आए हो आप, CnH2n+2, ठीक है। जो सबसे छोटा एल्केन है, द बेसिक एंड द सिंपलेस्ट वन इज मीथेन, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हो? इथेन, C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन। तो हमने ये सारे डिस्कस करने हैं। अच्छा, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे CH3CH3, तो ये सारे क्या है? हमारे प्रोपेन्स, एल्केन्स है मतलब इन जनरल। ये प्रोपेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये मिथेन हो गया। ओके, नाउ वी विल बी फॉर्मिंग दीज। हमने इनकी फॉर्मेशन करनी है, हमने इनकी प्रेपरेशन करनी है। मैं कैसे मिथेन बना सकती हूँ, इथेन बना सकती हूँ, प्रोपेन बना सकती हूँ, ब्यूटेन बना सकती हूँ, पेंटेन बना सकती हूँ। ओके, सो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आप 10th में भी पढ़ के आए हो, प्रेपरेशन फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। You did this reaction in your 10th standard also, where we take alkene or alkynes और उसमें हम hydrogen add करते हैं, पढ़ी हुई है। Where this reaction it finds application in the preparation of वनस्पति घी, पढ़ी है कि नहीं? नहीं पढ़ी, चलो write down, preparation from unsaturated hydrocarbons और इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इसका नाम है सबेटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन। तो पेपर में कुछ भी आ जाए यही रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। टेक एनी एल्कीन और एल्काइन, अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है?
कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दीज आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इतना तो पढ़ा है ना 10th में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और अनसैचुरेटेड जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने यूज करने हैं। आई हैव टेकन एल्कीन, ठीक है, इथीन लिया है मैंने, इसमें हमने ऐड करनी है हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन ऐड करनी है। इट विल बी एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, निकल यूज करते हैं हम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट। अब जो मैंने आपको रिएक्शंस करवाई हैं उसमें से एक किस टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन? एडिशन, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, अभी पढ़ के आए हैं एडिशन रिएक्शंस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कल HBr की एडिशन नहीं की थी, HCN की एडिशन नहीं की थी, इतनी केमिस्ट्री आती है, पेज फोल रहे हैं पीछे से, कि कल वाला भी याद नहीं है, कल हमने एडिशन रिएक्शंस की थी, बना क्या रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, एल्केन्स बना रहे हैं ना। तो अभी मैंने क्या बताया है, एक हाइड्रोजन उसको दो, एक हाइड्रोजन उसको दो, तो क्या बनेगा आपका एल्केन, बोलना ना। अभी एडिशन में डबल से सिंगल में जाना है, एलिमिनेशन से सिंगल में डबल में जाना है। चलो, सो दिस इज इथेन, राइट डाउन फॉर दी 2-methyl प्रोपीन के लिए रिएक्शन लिखो, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर 2-methyl प्रोपीन। स्ट्रक्चर बनाओ 2-methyl प्रोपीन का पहले, once write down the structure of 2-methyl propene, propene का structure लिखो और second position में methyl group attach कर दो, carry out the same reaction hydrogen in the presence of nickel catalyst and give me the answer। वैभव आ जाओ, मास्क पहनो पहले तो, आजा बाहर। प्रोपीन का स्ट्रक्चर तो आता है कि नहीं, वेरी गुड। जैकलिन आओ बेटा, लिखिए बेटा 2-methyl प्रोपीन। इतनी नहीं लगानी हमने डबल बॉन्ड, क्या हो गया, इज दिस राइट, ये कार्बन देखो टेट्रावेलेंट होता है, चार बॉन्ड बनाता, कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड बना दिए आपने कार्बन के।
दो तीन, ठीक है, रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एच टू एंड निकल कैटलिस्ट. यू कैन यूज अदर कैटलिस्ट ऑल्सो, निकल प्लेटिनम प्लेटियम, ठीक है. निकल के साथ आप प्लेटिनम का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन फॉर निकल, हाइड्रोजन विद प्लेटिनम और पैलेडियम ऑल्सो. हाँ जी, इज दिस राइट? थैंक यू. ठीक है, तो क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड कर देना हमने, एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड करना है, और ये जो डबल बॉन्ड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. ओके, इज दिस रिएक्शन क्लियर? सो एप्लीकेशन पूछ लेते हैं इस रिएक्शन की. एप्लीकेशन कहाँ पर है? जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, दे आर एक्चुअली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, द वेजिटेबल ऑयल्स दैट वी यूज, दे आर एक्चुअली अनसैचुरेटेड, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें, और उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन्स में. सो योर वेजिटेबल ऑयल्स दैट आर एक्चुअली द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये आपका इसकी एप्लीकेशन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. राइट, तो ये सारा जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इट इज प्रेजेंट इन द वेजिटेबल ऑयल्स दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वनस्पति घी व्हेन वी डू हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस ऑन देम. ओके, तो जो आप सॉलिड घी जो यूज करते हो, वनस्पति घी, ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं, इस रिएक्शन से, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से प्रिपेयर होते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, क्या हो सकती है लिमिटेशन, व्हाट कैन बी द लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू यू? वी कांट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन, नहीं बना सकते ना मीथेन. पहला वाला जो एल्केन है वो नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही किससे हो रही है, एल्कीन से स्टार्ट हो रही है. एल्कीन से स्टार्ट हो रही है तो यानी कि हमें दो कार्बन और उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स चाहिए, तो एवरी टाइम वी विल बी नीडिंग टू कार्बन. ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन वाली रिएक्शन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है. ठीक है जी, हाँ जी, ओके, इज दिस रिएक्शन क्लियर? चलिए, राइट डाउन नेक्स्ट फॉर इथाइन. प्लैटिनम और प्लेटियम कुछ भी यूज कर सकते हो, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, पी ए डबल एल ए डी आई यू एम, निकल प्लैटिनम पैलेडियम. ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ द कैटलिस्ट. ओके, नाउ इफ आई एम डूइंग सेम रिएक्शन विद द इथाइन, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? इफ आई एम डूइंग द सेम रिएक्शन विद द इथाइन, हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड? पहले ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, फिर डबल से सिंगल, करो कन्वर्ट. You can't prepare methane from this reaction. पहले क्या बनेगा यहां पर, इथीन बनेगा, then there will be formation of ethane. ठीक है जी, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको ये रिएक्शन दो बार करनी पड़ेगी. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन. और ये सारी रिएक्शंस आप आगे प्लस टू में भी यूज करोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ये रिपीट होंगी. नेक्स्ट, राइट डाउन वर्ड्स रिएक्शन. वर्ड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या करना है, वी विल बी टेकिंग
एल्काइल हैलाइड्स नाउ, ठीक है। पहली रिएक्शन हमने किससे की है, अनसैचुरेटेड सिस्टम से की है। यहां पर हम क्या लेंगे, वी विल बी टेकिंग एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं, यू कैन टेक CH3Cl CH3CH2F, ऐसे दीज आर द एल्काइल हैलाइड्स जिसके साथ क्या लगे होते हैं, हैलोजन्स अटैच होते हैं। ओके, नाउ हियर यू विल बी टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RX। एल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, हमने दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ओके, एंड सिमिलरली वी विल बी डूइंग दिस रिएक्शन विद सोडियम। ओके, वी विल बी डूइंग दिस रिएक्शन विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ड्राई ईथर। आपको पता है सोडियम रिएक्टिव होता है, तो कंडीशन हमें क्या रखनी पड़ेंगी, ड्राई। ओके, अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, देखो क्या मैं इस दो मॉलिक्यूल्स को ऐसे शो कर सकती हूँ, कैन आई शो देम लाइक दिस। ये जो मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं अल्काइल हैलाइड के, क्या मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, पहले ये वाला मॉलिक्यूल और फिर ये वाला मॉलिक्यूल। आपने सिंपली यहां से ये रिमूव कर देना है, मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX दे आर रिमूव। ओके, एंड यू विल बी गेटिंग R बॉन्डेड टू R, यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग R बॉन्डेड टू R, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे। ओके, दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब हम R की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लेट्स कैरी आउट दिस रिएक्शन with this and give me the answer. Vaibhav aa jao beta, come Vaibhav beta, product likhna hai last wala, aa jao beta jaldi, ye copy karwai hai maine, abhi suni nahi hai aapne, fir aa jao आ जाओ। दो आर आर को ज्वाइन कर दो, अब आर ढूंढो पहले इसमें से कौन सा, बस इतना काम करना है। फाइंड आउट टू आर ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स ढूंढो और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, पूछ ले उससे, पूछ ले, लिखो, हाँ नीचे। बाहर निकल गया, एक्चुअली ऑर्गेनिक में ये होता है, मेन हम अपना प्रोडक्ट लिख देते हैं, साइड प्रोडक्ट्स के बारे हम नहीं मेंशन करते हैं। वैभव लिखो, रमन जल्दी यहां लिखो, कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, NaX, अच्छा Cl, ओके ठीक है, हाँ जी क्लियर है बेटा। ये आपका एल्काइल ग्रुप था, ये इसके दो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर देने हमने, CH3CH2 CH2CH3।